हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग आ रहा है बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को बनाने का कुछ। सो ये जो है ना, हम महाबलेश्वर से वापस आए थे उस टाइम का वीडियो है। और फिर जो है वीकेंड के टाइम हम चले गए थे, एक मॉल है वहाँ पर गए थे। सो वहाँ पे भी काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। ये देखिए, ये आई थिंक ये दोराबजी है। जी हाँ, ये दोराबजी है। सो वहाँ पे हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। फ्रोज़न आइटम्स भी थे और ग्रॉसरी के अलावा काफ़ी फैंसी फैंसी आइटम्स भी थे, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़। सो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर हम लोगों को। बताओ क्या है? इसके हैंड्स है। हाँ, इसके हैंड्स है। हाँ, इसके टूटे हैं। और क्या है? पेट का है? पीक या पेट? आईज का? आईज। इसके दांत? इसका दांत। दांत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टीथ। टीथ। क्या है वो? हाथी है। आदि। आदि। लायन है। लायन तो आपने देखा कैसे जेड आइरीन और उसके पापा का प्यार उमड़ रहा था। और ये देखिए, ये हमारे महाबलेश्वर ट्रिप के ना मुझे कुछ वीडियोस मिले जो छूट गए थे, तो मैंने वो डाल दिया। देखिए दोनों कितने खुश हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। सो ये जो है परवेज के फ़ोन में थे ये सारे वीडियोस। और ये देखिए पीछे मैं जो हूँ वो अपनी मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने की। और ये देखिए हमारे यहाँ ना सैटरडे को कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे। सो हमने उनके लिए ये स्प्रेड तैयार किया था, डिनर स्प्रेड। आप देख पा रहे होंगे, अच्छा था, काफी टेस्टी था। और अब जेडन जो है वो मेरी जगह, और जेडन ही व्लॉगिंग किया करेगा। आप सुन पा रहे होंगे, बोलो ये क्या कर रहे हो। और यहाँ पे जो है जेडन और आयरीन की डांस पार्टी शुरू हो गई थी। दो बच्चे होने से ना ये फायदा होता है कि वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। इससे कर रहे हो खेलने? अब फोन देख के वीडियो बनाना है। हाँ ठीक है। वाओ, जेडन को तो ये आता है, सब आता है, इंटेलिजेंट बॉय। ये एरोप्लेन है। वाह, हेलीकॉप्टर है। ये बस है। बस है, राइट, उल्टा है। ये ट्रक ट्रक है। ट्रक नहीं, ट्रक। क्या ट्रक? ओके, जो अच्छा लगता है वैसे बोलो। वैसे ही चलो खेल, चलो वैसे ही खेल दो मम्मा। ओके, बाय बाय बाय। और ये गई थी मैं ऑफिस मंडे को। और देखिए यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना फेवरेट स्टफ्ड आलू मेथी पराठा ले लिया था। और ये रही हमारी ऑफिस की कैंटीन, काफ़ी ग्रैंड है। और मैं जल्दी चले गई थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। सो आप देख रहे होंगे कि सारा जो है कैंटीन खाली पड़ा हुआ था, बहुत ही कम लोग थे उस टाइम, क्योंकि रश जो है 1 बजे के करीब बढ़ जाता है।
और ये देखिए हम लोग गए थे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने, और यहाँ पे अब थोड़ी देर में केक कटिंग होने वाली है बच्चों की। अरे सब ग्रुप में आओ, सारे इधर आओ, हाँ एक तरफ जाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ। आप केक के लिए ऐसे हो रहा है, चॉकलेट के लिए। आइरीन आ जाओ बेटा, आ जाओ उधर जाओ, केक कट कर। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ये कौन रो रहा है? अरे बाबा रे, चलो आप सब कट कर लो, सब कट कर लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। अरे टाइगर ने खा लिया केक। बस एक बार सब कट करेंगे, एक एक बार सब। ओके, चार का हो गया, हाँ हो गया, बच्चा हो गया। अभी इसका टर्न है, हां का टर्न है, आंटी को दे दो। थैंक यू। अरे ऐसी नहीं बात है। अभी मनीषा आप कट कर लो सबके लिए। दो दो, मैं दूं, दो मैं दूं, दो मैं दूं। आप करोगे? और फिर चले गए थे हम अपने घर के पास वाले सर्कल मार्केट पे। वहाँ पे जेडन को मन हो गया गन्ने का जूस पीने का, सो वहाँ पर मैंने फिर उसे फ्रेश फ्रेश गन्ने का जूस पिलवा दिया। और आइरीन जो है अपने पापा के साथ एक्सप्लोर कर रही है कि क्या क्या है यहाँ पे, सब कलरफुल दिखता है ना, सो इन दोनों की आंखें ऐसी चौड़ी हो जाती हैं और बहुत खुश होते हैं यहाँ पर आकर। हम लोग ना मोमोज का अपना वेट कर रहे थे, हमने दो टाइप के मोमोज ऑर्डर किए थे। मेरे ना मुँह में पानी आ जाता है ये वाली मोमोज की शॉप देख कर, बहुत स्पाइसी और काफ़ी अच्छा मोमो बनाते हैं ये। और फिर जो है जेडन और आइरीन की लॉलीपॉप पार्टी चल रही थी यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है ना किसी वीकेंड का वीडियो है ये। हम लोग वेस्टर्न मॉल गए थे, ये आई थिंक औंध में है। सो वहाँ पे ना डायनासोर्स उन लोगों ने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं डायनासोर को लेकर। सो जेडन और आइरीन बहुत जो है खुश हो रहे थे क्योंकि टीवी में अक्सर वो डायनासोर देखते रहते हैं और ऐसे लाइव देखना तो अलग ही हो जाता है। सो बच्चे जो है ना बहुत एक्साइटेड थे, इतनी चिल्लम चिल्ली मची हुई थी, बहुत बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए ये वो वेजिटेरियन वाला डायनासोर, सो काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी के इन लोगों ने बनाए थे। और बच्चों का यहाँ पर काफ़ी जो है आना जाना हो रहा था, सो सारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे ये देखिए। और काफ़ी अच्छे बनाए इन लोगों ने, दूर से देखने से अच्छे लग रहे थे, रियल से लग रहे थे। कुछ बच्चे तो डर भी रहे थे। सो बस ये देखिए मैंने थोड़े बहुत वीडियोस बना लिए थे, जेडन ने भी काफ़ी इन्जॉय किया और आइरीन जो है वो थोड़ा डर रही थी तो वो इनके पास नहीं जा रही थी। और यहाँ पे ना काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, इनका कुछ कुछ एक्टिविटीज़ थी। जैसे एक एक्टिविटी थी ये देखिए जिसमें आप डायनासोर के मुंह में बैठ सकते हैं, तो बच्चों को जो है यहाँ बीच उसके मुँह में बैठा देते थे और वो 5-10 बार मुंडी ऊपर नीचे करेगा डायनासोर जो है, तो उसका चार्ज आई थिंक कुछ 100 रुपीज़ था। जेडन को तो हमने नहीं बैठाया, इतनी लंबी लाइन थी। और यहाँ पे ये बोट थी ना, तो यहाँ पर ही बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, उन्होंने इस बोट का ये जो एंड पार्ट है वहाँ पे ही ऐसा स्लाइड बना लिया था और खेल रहे थे। फिर हम चले गए थे ऊपर वाले फ्लोर में, सो ऊपर वाले फ्लोर से ये देखिए ये रहा डायनासोर्स का व्यू। काफ़ी भीड़ दिख रही होगी आपको, बट अभी जो है ना कम हो गई है। जब ये नए नए आए थे अक्टूबर में या अक्टूबर में, तो तब काफ़ी रश होता था, अभी तो सब देखकर चले गए। और ये देखिए मॉल आए और जेडन ट्रेन में ना बैठे, ऐसा आजकल होता नहीं है। सो जेडन जो है ना मेरा हाथ छुड़ाकर सीधे जाकर ट्रेन में बैठ गया, उसे ये भी नहीं पता कि पैसे भी देने होते हैं। फिर मैंने उसके लिए पे किया और फिर वो जो है घूम के आ गया। और यहाँ आइरीन जो है जेडन ट्रेन में बैठ गया और आइरीन जो है इस राइड पे जाकर बैठ गई।
सो इधर पापा उसे ये वाली राइड करवा रहे थे और मैं जेडन का वेट कर रही थी कि वो ट्रेन वाली राइड लेकर आए। सो बच्चों को ये सब देख के ना वो रुकते नहीं है और फिर वहीं मॉल में ही वो फैल जाते हैं। सो अब ये एज आ गई है उनकी कि वो मतलब अपनी बात मनवाते हैं, रो रो कर ही सही बट मनवा लेते हैं, और हम लोग भी कर देते हैं बिकॉज एज सच हम लोग हर हफ्ते तो आते नहीं हैं। सो महीने में एक आध बार आ जाते हैं। सो इट्स ओके, उनका भी एंटरटेनमेंट हो जाता है। ये देखिए वो अकेला बैठ के राइड करके भी आ गया, उसे कोई डर नहीं कुछ नहीं, उसे बस मज़े लेने। सो आई थिंक वो एक और राउंड लेकर आएगा ट्रेन से। और ये आ गई आइरीन, इसकी ना बैटरी लो थी कि तो ये उतना अच्छे से चल नहीं रहा था। सो आइरीन जो है अपने पापा के साथ चल रही है अभी।